रांची में आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और उसके भाई पवन को ईडी की टीम ने हिरासत में लेने के बाद पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने शनिवार सुबह से ही एक बार फिर सुमन और उसके भाई पवन से पूछताछ शुरू कर दिया है। सुमन के हनुमान नगर स्थित अपार्टमेंट सोनाली मोनिका में 4 फ्लैट हैं। इसी अपार्टमेंट में ईडी की टीम दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान कैश 19.32 करोड़ रुपए की काउंटिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से ये आंकड़ों की जानकारी मिली है कि अब तक के किसी भी आईएएस अधिकारी के पास से इतनी बड़ी राशि की बरामदगी अब तक नहीं हुई थी। देखिए, ये सब गिदड़ बपकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहा था ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट टिकेट बॉल वो लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं और ना होगा। और जो राज का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। अधिकार को लेकर ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने के लिए बहुत कुछ। मतलब लगातार आप आवाज बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ, कहीं उसका ही परिणाम तो नहीं है? अब परिणाम क्या चीज का है, इनका उद्देश्य क्या है, वो तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई, तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकारन जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है, आज तक क्या परिणाम निकला? जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के, इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की।